हे गाइस, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शन। सो दोस्तों, कैसे आप सभी? सो देखो, इंटरव्यू निपट चुका है। सो 28 फेब को मेरा इंटरव्यू था। मैंने आपसे कहा था जैसे मेरा इंटरव्यू हो जाएगा आई विल शेयर एवरीथिंग कि क्या हुआ इंटरव्यू में। सो इंटरव्यू मेरा लखनऊ में था और पैनल वगैरह में शेयर नहीं कर रहा हूँ, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर थोड़ा सा बच्चे क्या है, एज्यूम करने लगते हैं अगर किसी का इंटरव्यू कल हुआ तो, और कोई ये वीडियो देख रहा होगा तो इस टाइम, क्योंकि 3 तक इंटरव्यू आई थी। तो पैनल सुबह मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी मेरी, उसमें 8:30 रिपोर्टिंग टाइम था, तो 8:30 पर मैं वहां पहुंच ही गया था आराम से। तो फिर वहां पर उन्होंने बुलाया और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। काफी टाइम तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला, 2-2.5 घंटे तो उसी में लगे थे। तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी कर रहे थे और फिर जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रहा था वो सिर्फ लिस्ट वाइज कर रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, और इंटरव्यू भी लिस्ट वाइज ही चल रहे थे। जो लिस्ट में जिस तरीके से नाम थे बच्चों के, सो उस तरीके से हो रहा था। तो मेरा तो सेकंड लास्ट था, बिल्कुल एक लास्ट पर्सन से पहले मेरा था। और मेरा जो इंटरव्यू का नंबर आया वो आया 1:30 PM अराउंड। सो काफी देर हो गई थी वहां पर बैठे हुए और गर्मी भी काफी हो रही थी। तो 1:30 अराउंड मेरा नंबर आया, मैंने एंटर किया, देन सबको विश किया, देन उन्होंने बैठने के लिए बोला। पैनल में थे 5 लोग, 4 सर थे, 1 मैडम थी। मैडम बैठी हुई थी और मैडम ने देखो कुछ पूछा नहीं, वो आई थिंक ऑब्जर्व ही कर रही थी, बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व कर रही थी बहुत अच्छे तरीके से। सो जो मेन हेड थे उन्होंने पहले ही क्वेश्चन कर लिया मुझसे, सिटी के फेमस पर्सन पूछ लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया वो चीज पूछते हैं, आपको अपने रीजनल का पता रहना चाहिए। जो हमारा पैनल था उसमें काफी वो अच्छा इंटरव्यू ले रहे थे, मतलब काफी टाइम तक 15-15 मिनट तक इंटरव्यू चल रहा था एक बच्चे का। एक बच्चा जा रहा था बट दूसरे पैनल में 4 बच्चे निकल के आ रहे थे इतनी देर में, तो ये तो था ही। तो एंजाइटी में तो मैं था नहीं बिल्कुल भी, मैं रहता भी नहीं हूँ ज्यादातर। तो बैठा मैं आराम से, उन्होंने कंफर्टेबली बैठने के लिए बोला आराम से, और फिर उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किए पूछने। फिर उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन जो किया वो एक बैंकिंग का क्वेश्चन, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा और उन्होंने कहा कि इन वाले सर को बताइए अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो बराबर में उनके जो सर बैठे थे, जो मेन हेड थे उनके बराबर में कोई सर बैठे थे, उनसे कहा कि इन सर को देखिए और इनको बताइए अपना पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन कौन आपकी फैमिली में है, आप क्या करते हैं, किस तरीके से, बिल्कुल सब बता दीजिए। तो इस तरीके से मैंने बताया। और यहाँ पर एक पॉइंट था मेरे लिए ऐड करने वाला जो कि मैं बना के गया था। मुझे देखो इंटरनेशनल अफेयर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है और मैं काफी पहले से पढ़ता हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स। तो मैंने ये पॉइंट डाला कि सर मैं, मुझे इंटरनेशनल अफेयर्स लाइक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ना। तो वहां पर रशिया यूक्रेन के काफी क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए थे ऑलरेडी बच्चों से कि रशिया यूक्रेन में उस टाइम पे रात में एक न्यूज थी कि पीस टॉक जो हो रही है वो किस कंट्री में हो रही है, बेलारूस में आया था उसका। तो ऐसे क्वेश्चन उन्होंने काफी पूछ लिए थे, तो उन्होंने वो क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे रशिया यूक्रेन वाला। दे जस्ट आस्क के आप बताओ चाइना ताइवान का क्या इशू है। तो चाइना ताइवान इशू बहुत ज्यादा आपको भी पता होगा वैसे तो, अगर आप पढ़ते हैं तो डीप में, अगर नहीं पता होगा तो ऊपर का तो पता ही होगा। तो फिलहाल मुझे काफी ज्यादा, मतलब पहले से पता था, बहुत डीप पता था मुझे सारी चीजें, क्या इशू है क्या है, तो मैंने उनको डिस्क्राइब किया ये चीज। देन वो उन्होंने पूछा चाइना हांगकांग का क्या इशू है। चाइना हांगकांग का अभी बहुत पहले चल रहा था, 2020 की बात है वो, उस टाइम पर जब कोविड की सिचुएशन थी, तो वो भी मुझे पहले से पढ़ा हुआ था तो वो याद आ गया, वो मैंने बताया। फिर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का पूछा, वो मैंने बताया। सो ऐसा कोई था नहीं कि जो मैंने नहीं बताया इंटरनेशनल अफेयर्स में उन्हें। तो उन्होंने वो सेटिस्फाइड हो गए सर जो थे, उन्होंने अच्छे से वो सेटिस्फाइड हो गए। फिर इंटरनेशनल अफेयर्स से लेके उन्होंने बैंकिंग पे आना, तो बैंकिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए। ऐसा कुछ नहीं पूछा मुझसे कि आप, और मेरे बैकग्राउंड से भी कुछ नहीं पूछा, और ऐसा नहीं कि आप रेपो रेट बता दो ये क्या होता है बैंकिंग में। मैं आपसे वही कहता हूं, वो सब एक बेसिक पता होना चाहिए, डेफिनेट नहीं है कि आपसे यही चीज पूछी जाएगी कि भाई रेपो ही बताओ, RBI ही बताओ, बट आपको अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो एक डिप्लोमेटिक क्वेश्चन उन्होंने मेरे सामने ये रखा कि बैंक इतनी लॉस में चल रही है, सरकार इनको बंद क्यों नहीं कर देती है। सो इसका आंसर मुझे पता था ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो मैंने कहा सर बैंक लॉस में चल रही है बट अब बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ सुधर रही है और इसको सुधारने के लिए RBI रेगुलर वर्क कर रहा है, इस तरीके से मैंने उसको जवाब दिया। और सर मैंने ये भी कहा कि बैंकों को बंद करना एक सॉल्यूशन नहीं है, जो कि ऑब्वियसली सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बैंक जो है, बैंक सिस्टम हेल्प करता है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी फाइनेंशियल जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर होता है आपको पता है वो फाइनेंशियल उनको चाहिए होती है नीड, तो वो चीज जो देती है बैंक ही देती है, उन्हें सारे कॉर्पोरेट लोन्स जो करती है वो बैंक ही करती है। तो ये चीज थी, तो मैंने उनको ये बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा कि बैंक क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस टाइम। तो जो मेन चैलेंज था वो NPA था, आपको सबको ही पता है ये चीज के NPA बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर अभी रिसेंट में क्या हुआ था, ABG Shipyard Limited का बहुत ज्यादा वो हुआ था,
एक घोटाला हुआ बैंक का 22,800 करोड़ का, तो उसको मैंने लिंक करते हुए बताया एबीजी शिपयार्ड के साथ, तो वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए थे एंड उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आपको पता है ये चीज। फिर एक मेन इशू मैंने अपने पास से बताया कि सर डिजिटल बैंकिंग काफी ज्यादा यहाँ पर इशू है, अगर और डिजिटल बैंकिंग बढ़े तो बैंक में और ज्यादा ग्रोथ होगी और हमारी इकोनॉमी में जो है और ज्यादा ज्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि देखो छोटे छोटे शहरों में क्या होता है अभी भी डिजिटल पेमेंट को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो लोग डरते हैं अभी भी। तो मैंने कहा कि सर ये एक ऐसा चीज है जिसको एलिमिनेट किया जाना चाहिए, जिसके ऊपर काम किया जाना चाहिए कि हाँ एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो चुका है आज के टाइम पे, और हम उसको अगर अडॉप्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा ही रहेगा। तो ये चीजें उसके फायदे हमें बता देनी चाहिए, तो इस तरीके से मैंने रिलेट किया। देन फिर उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था मुझसे, वो भी शायद बैंकिंग के ही रिगार्डिंग था। हाँ फिर वही बैंकिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछा इस तरीके से, लगभग लगभग 10 मिनट तो हो ही गए थे तो आराम से। फिर हाँ उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा मुझसे, लाइक मैं सिंपल बहुत ज्यादा मैंने कुछ मतलब ऐसे नहीं पहना था, मैं एक सिंपल पैंट और शर्ट मैंने पहन रखी थी, फॉर्मल पहन रखे थे एंड देन मैंने कोई ब्लेजर वगैरह नहीं पहनी थी बिकॉज गर्मी बहुत थी और मुझे पता था गर्मी लगती है और मुझे गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। इसी वजह से वहां पर लखनऊ में बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन मतलब इतनी ज्यादा गर्मी है यार, आप जाओगे तो अभी भी आराम से वहां पे टी शर्ट में घूमा जा सकता है, बट हमारे यहाँ यूपी वेस्ट में इतनी गर्मी नहीं है। सो उन्होंने उन्हें रीजन जानना था मेरा, कि उन्होंने तो उस क्वेश्चन को मुझे प्रोवोक करने के लिए बोला कि आप ऐसे आए हो बिल्कुल ऐसे इस तरीके से, बाकी बच्चे ऐसे ड्रेसअप होके आ रहे हैं, ये क्या रीजन है मेन रीजन। तो मैंने अपना उनको एक्चुअल रीजन ये बताया एंड उन वो सेटिस्फाइड हो गए, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कि कंफर्ट में रहना चाहिए अपने, ऐसा कोई ड्रेस का कोड नहीं है, बट आप अगर आप कंफर्ट के अकॉर्डिंग पहन के आए हैं दैट्स वेरी गुड। तो इस तरीके से उन्होंने बाद में यही बोला कि नाइस टू टॉक टू यू और विश यू वेरी गुड लक, इस तरीके से विश किया एंड इंटरव्यू ऑल निपट गया। देन ये पूरा था, यही इस तरीके से मुझसे क्वेश्चन और बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो मुझे याद नहीं आ रहे, एक दो क्वेश्चन और थे शायद थोड़े बहुत। तो हाँ एक क्वेश्चन और था, उन्होंने एक बहुत फेमस पर्सन है जो सिटी से बिलोंग करते हैं मेरी, उनकी मूवी पूछी थी तो, बट वो मूवी मुझे तो पता नहीं थी क्योंकि बहुत पुराना वो हीरो है, शायद बहुत पुराना हीरो है, तो उसकी शायद एक मूवी शायद पूछी गई थी तो मैंने वो नहीं बताई और बस यही था। तो इसमें से एक या दो ही क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने नहीं बताया था, उन्होंने पूछा था, बाकी कुछ नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं आता ये वो, और अच्छे से फिर हो गया कंप्लीट। तो मैं कोई एनजाइटी में नहीं रहा बिल्कुल भी और बाकी फिर आराम से मैं एग्जिट हो गया और ये पूरा इंटरव्यू प्रोसेस रहा। तो दोस्तों देखो घबराने की जरूरत नहीं होती है, मैं हमेशा से कहता हूँ, मैंने यही बताया था आपको कि आप जिस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं, जिस जो चीज आपके फेवर में स्ट्रांग है आपकी, वही चीज आप वहां पर बोलो और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, यही चीज रहती है। तो घबराने की जरूरत नहीं होती है, यही मैं कहता हूँ, आपको अपने अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और हाँ मैं वर्क करता हूँ अभी अमेजोन इंडिया में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन थे, अभी मुझे याद आया यहाँ से भी क्वेश्चन उससे पूछे गए थे, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो उसकी कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। तो ये सब था और यही चीज पूछी गई थी मुझसे। तो अब अगर आपका किसी का भी इंटरव्यू है तो प्लीज आप घबराएं मत बिल्कुल भी, आराम से कोई टेंशन नहीं होगी। जो पैनल है यार वो काफी सही रहते हैं, वो लोग ऐसे नहीं करते हैं कि आपसे नहीं आता तो ये, वो आपसे ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछते हैं कि बस आपको खुद ही आंसर आ जाता है कि हाँ, बस आपको अपना पता होना चाहिए कि आप ये चीज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और ये चीज आपको बस पता होनी चाहिए, एक्चुअल रीजन आपको पता होनी चाहिए कोई भी चीज आप कर रहे हो तो। सो अगर आप आगे भी तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इंटरव्यू फेस करेंगे, तो आप इस वीडियो को एज एन सीख सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज है हमने इंटरव्यू के लिए, और तो ज्यादा दिन चाहिए नहीं होते हैं, 10-15 दिन एनफ रहते हैं, तो आप आराम से और कम्युनिकेशन का कोई बैरियर नहीं होता है। देखो मैंने हमेशा से ये चीज कही है कि कम्युनिकेशन का कोई बैरियर नहीं होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में बात चल रही थी मेरी भी, इंग्लिश हिंदी दोनों में बात चल रही थी, मैं भी इंग्लिश में कुछ टर्म मैंने एक्सप्लेन कर दी और जिस तरीके से मतलब वो इंग्लिश में पूछ रहे थे तो मैं क्या कर रहा था उनको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा था दैट्स इट, और अगर वो हिंदी में पूछ रहे थे तो मैं उनको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा था, यही दोनों चीजें चली हैं बस। तो ऐसे ही करो, अगर वो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप अगर नहीं बोल पा रहे हो तो ऑब्वियसली कोई ऐसा रीजन नहीं है, आप हिंदी में ही एक्सप्लेन कर सकते हो अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं तो। सो ये पूरा इंटरव्यू प्रोसेस था दोस्तों, आई होप आपको सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कैसा गया। अब देखते हैं 1 तारीख को रिजल्ट आएगा, थोड़ा बहुत सही गया मेरे अकॉर्डिंग तो सही गया, बाकी देखते हैं कितने नंबर आएंगे क्या रहेगा, और बाकी सिलेक्शन भी डिपेंड करेगा इंटरव्यू और रिटर्न के मार्क्स पर। सो थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी गुड लक, जितने भी बच्चे इंटरव्यू दे के आए हैं और जो देने जा रहे हैं, कल है शायद इंटरव्यू, तो जो देने जाएंगे उनको भी गुड लक।
सो थैंक यू सो मच दोस्तों।